जिस इंसान के खून में देश सेवा की भावना और देश की शान के लिए बलिदान देने की भावना होती है, वो इंसान औरों से बेहतर इस बात को भी समझता है कि जिंदगी और जीना किसे कहते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए जीता मरता ज्यादा है, उसे ही जिंदगी और जीने की कला कहते हैं। आज से 17 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महायोद्धा की धरती महाराष्ट्र में एक ऐसे ही देश सेवक किशन लोखंडे का पदार्पण हुआ, जिसके लहू में देश सेवा की रवानी थी और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला ये वीर दुश्मनों की गोली से घायल तो हो गया था, लेकिन इसने मौत को अपने जज्बे से परास्त कर ये दिखा दिया कि देश सेवक कभी मरता नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है। ऐसा योद्धा मौत से लड़ते लड़ते जीने की असली कला सीख जाता है। तब ऐसा इंसान दूसरों के लिए जीने लगता है और अपने लिए कम जीता है। आज समाज सेवक किशन लोखंडे का जीवन बेसहारों, असहायों, नशाखोरों की जिंदगी संवारने के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुका है। अब वो अपना जीवन देश सेवा के बाद समाज सेवा के लिए तन मन धन से लगा चुके हैं। समाज सेवा की प्रेरणा इन्हें अपने 112 वर्षीय पिता मल्हारी लोखंडे और 102 वर्षीय माता वंचना लोखंडे से मिली है। माता पिता ने एक दिन अपने बेटे से समाज सेवा की अपनी हार्दिक और अंतिम इच्छा जाहिर की और बेटे ने मन में ठान लिया कि चाहे रास्ते में कोई भी कांटे या तूफान क्यों ना आए, वे उससे लड़ते रहेंगे और अपने माता पिता का समाज सेवा का सपना पूरा करेंगे। माझ्या लेकांना बघितलं व रोडला पडलेली माणसं आपली ताणून पोलिसानं घालावली, माझ्या लेकांना सेवा त्यांची केली, तीन टायमाला जेवण मिळतं या त्या पाणी दोन टायमाला मिळतं या चांगलं चांगलं ती म्हातारी माणसं आम्हाला बी बघू वाटते की आम्ही खटल्यातलं या खटल्याच्या घरातलं आहे आम्ही, एवढी माणसं माझा सासू सासरा चार माणसं दिरा सुद्धा ती सांभाळली, 12 पोरं सांभाळली, आम्ही दोघं नवरं किती माणसं झाली बाय तेवढंच केलंय दळून जात्यावर इचरा कळत्या देखांना इचरा देखील नाही इचरा दळण होतं आता पाण्याचं हाटण पिठाचा डबा नव्हतं गॅसवर देते ते आम्हाला गॅस बी नव्हता इस्टूलसुद्धा नव्हता इतक्या पत्रा मॅल काढलेले तर अजून आता देखाचं चांगलं झालंय ना ते आता मला लईच आज पाणी खाऊ वाटताना पण ती बघूच वाटते म्हणजे आज पत्र नव्हतं ना बघायला आजी म्हणते की सुना माझ्या चांगले सगळ्यात चांगले सुना नऊची नऊ सुना चांगले चांगले तिथं गेलं तरी सुनांचं जे जी कर मला करीत तिथंच काय तिथं मी या पुरी मला नाही ती कास करून आणली ती कुंड डबा मला तिथला नाही बरं वाटतंय बाबा मला लई बरं वाटतंय नाही मी त्यांना देते
ನಾಯಕ್ ಲೆವನ ಹಂತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕರ ಮನ ಬಾಯ ಮನ ಬಣ್ಣ ಡಾಕ್ತಿ ಊರ್ ಮಾರ ಮಾರಿ ಕಲ್ತಿ ಉನ್ನಕ್ಕಂತೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಇದೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಚಂಗಲಿ ಹೋನ್ ಗಿರಿ ನಿಶ್ಚಕರಣ ಭೀ ಚಂಗಲಿ ಹೋನ್ ಕಾಯ್ ಗಿರಿ ಹೈತಿ ಬ್ಯಾ आज उनकी माता अपने सपने को पूरा होते देख खुशी के मारे फूले नहीं समाती। इनकी आंखें खुशी के मारे आंसुओं से भर जाती हैं। उधार और प्रेम के प्यासे किशन लोखंडे ने सन 2008 में विरार हाईवे के नजदीक भाताड़े में अनाथ आश्रम और नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करने के लिए 1 एकड़ का एक बड़ा सा प्लॉट खरीद कर अपने सपनों को जमीन पर उतार तो दिया, लेकिन अभी भी इनके रास्ते में रोड़े थे। इस प्लॉट को एक साथ कई लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया था। जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ था, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा था, तो मैंने पापा मम्मी की इच्छा थी तो वृद्धाश्रम खोलना चाहिए, तो मैं जब जगह खरीदा, टोकन दिया, मैंने मोजनी लगा दी, तो उस टाइम गाँव के कई आदमी आए कि बोले हम लोगों ने जगह खरीदा हुआ है। वो पहला मेरे को वहाँ ही प्रॉब्लम आ गया कि हमने जगह खरीदा है तो आप नहीं ले सकते, तो मैंने फिर वो पैसा देकर प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैं जगह अपने नाम पे करवा के अभी इसमें मैं वृद्धाश्रम खोला हुआ। यहाँ से तकरीबन 60-70 आदमियों को फायदा हुआ है और अच्छी तरह से अपना घर में वेल सेटल है। कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ थी उनका घर उजड़ रहा था उनका घर बसाया हुआ है, कोई मेंटल हुआ था दारू पी के तो उनको ठीक करके भेजा। अभी 50-60 आदमी यहाँ से ठीक होके गए, वो अपने घर में खुशी मंगल से जिए। लेकिन ये जाबाज योद्धा हार कहाँ मानने वाला था। इन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इन समस्याओं को एक तिनके की तरह हवा में उड़ाकर पल भर में सुलझा लिया। फिर क्या था, अब किशन लोखंडे ने 2 साल की अपनी कड़ी मेहनत से अपने इस समाज सेवा केंद्र को शुरू कर दिया। इन्होंने मराठा लाइफ फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया और वंचरा समाज सेवा केंद्र को हकीकत रूप देने में दिन रात जुट गए। इनकी एक ही सोच थी, बस चलते जाना है। इन्हें सेना से सेवानिवृत्त होने पर 35 लाख रुपए मिले थे। इन्होंने ये सारे पैसे आश्रम के निर्माण में लगा दिए। अकेले ये कर्म योद्धा निकल पड़ा था एक ऊंची सोच लेकर। जब आश्रम को बनाने के लिए 35 लाख कम पड़ गए, तब इस कर्म योगी ने मुंबई में 2 साल तक प्राइवेट नौकरी कर 6 लाख रुपए इकट्ठा किए और आश्रम के कामकाज में सारे पैसे लगा दिए। शुरुआत में एक पत्र बनाकर और एक 75 साल की अनाथ वृद्ध महिला की सेवा कर किशन नाम के इस प्रेम पुजारी ने अपनी खुशियों को बांटना शुरू किया। देखते ही देखते महाराष्ट्र के अलावा देश के कोने कोने से लोगों ने इस नेक काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। इनके इस नेक काम में इनके परिवार का भरपूर सहयोग मिला, तभी ये प्रेम कुटीर हकीकत रूप ले पाया है। मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी कि मैं रिटायर के बाद देश सेवा किया है, रिटायर के बाद गोर गरीबों की सेवा करो इस, और 111 साल के पापा थे, बीमार थे, उनकी इच्छा थी कि वृद्धाश्रम बना के उनकी सेवा किया जाए, इसलिए मैंने आश्रम को। ये जो अनाथ लोग हैं वो आते कहाँ से? जो लोकल एरिया से पुलिसों को पता है, जो लोकल एरिया में आदमी पड़े रहते हैं रोड पे, ऐसे आदमी पुलिस उठा के हमारे पास देते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। ये जो वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? इनको खाने का, पीने का, सोने का, अन्न वस्त्र निवारण का पूरा बंदोबस्त करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी है, उनका डेली इंटरटेनमेंट करवाते हैं, डेली अलग अलग प्रकार का खाना खिलाते हैं, संडे को प्रोग्राम रखते हैं, क्लासेज चलाते हैं, काउंसलिंग चलाते हैं, ये सुविधा देते हैं। इसके बाद आपका अगला कदम और अपना आपका सपना क्या है? ये तो समाज का कार्य है, ये अकेले का नहीं, समाज हमारे साथ जुड़े और जो भी जरूरतमंद आदमी है यहाँ लाके जमा करें, उनके हम भरपूर सेवा करने का हमारे तमन्ना है। और इनको अच्छा बिल्डिंग मिले, अच्छा खाना मिले और सभी ने सपोर्ट करना चाहिए, ये सब मिलके ही काम होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि मेरे को सपोर्ट करे और अच्छा इधर बिल्डिंग बनाए और उनको सेवा किया जाए। आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत तकलीफ हुई हो किसी को ठीक करने में? एक मालवनी मालाड़ की एक लड़की थी, उसको लेने के लिए हम लोग गए थे, पुलिस ने फोन किया कि ऐसी ऐसी लड़की है 22 साल की और ज़्यादा तकलीफ देती, कपड़ा वपड़ा खोल के घूमती है पागल जैसे। हम लेने गए, उसके मम्मी पापा हमारे साथ थे, जैसे उनको उठाया
तो इसे वो जो रोने लगी चिल्लाने लगे, गाँव वालों ने फोन करके हमारे पीछे पुलिस लगवा दी। तो वहाँ वसई में आके वो पकड़ा और किडनैपिंग केस में हमको पुलिस स्टेशन लेके गए। उसके मम्मा पापा साथ में थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन बोला कि ये लड़की नशा करती है, इसलिए हम लोग उसको नशा मुक्ति में डाल रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने वेरीफाई किया, छोड़ दिया। और वही पुलिस वाले आज हम लोगों को इतने आदमी दिया, 25-30 आदमी वही पुलिस स्टेशन हम लोगों को मिला है। ये वाले पुलिस स्टेशन है वसई तालुके का अंदर पड़ता है। और उसे मेरे पे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, विरार पुलिस स्टेशन वाला बहुत सपोर्ट करता है। वही रोड में कई आदमी पड़ा रहता है, उनको लाके हमारे पास सेवा के लिए देते हैं और उनका हम घर बार सोच के उनके घर तक पहुंचा देते हैं। पुलिस बहुत कॉपरेट करती है, इसमें पुलिस का बहुत सहयोग है। किशन लोखंडे ने मराठा लाइफ फाउंडेशन के तहत मराठा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज और मराठा सिक्योरिटीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर अब तक लगभग 500 सुरक्षा कर्मचारियों को रोजगार दे चुके हैं। सुरक्षा और आश्रम की सेवा में हनुमान श्रीधर चौहान जैसे समर्पित और कर्मठ सेवक भी हैं, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। 4 साल से हम आश्रम में लगे हुए हैं। ये 4 साल में हमें जो आनंद मिला है वो बाहर किसी रिसोर्ट में जाके या कोई पिकनिक में जाके जो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद हमें आश्रम में आके मिलता है। लोगों को खाना खिलाने में, लोगों की साफ सफाई करने में, लोगों को सेवा देने में, वो अन्य जगह पे हमको वो आनंद नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? जोया। कहाँ से हो? मलाड। ओके ओके। क्यों यहाँ पे? क्यों नशा? कौन सा नशा था? MD क्या होता है? क्या होता है वो? कैसे उसका कैसे वो खाते हैं या क्या करते हैं? कैसे लेते थे? अभी कैसा लग रहा है उसके बाद, यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्यों किया वो सब? ऐसे ही दोस्तों में। कितना साल तक किया था वो नशा आपने? 12 साल की थी जब। 12 साल की थी तब से अभी क्या उम्र है आपकी? 22। मतलब 12 और 22। अरे वाह, मैं 10 साल आप वो नशा कर रहे थे। हाँ, यहाँ आके कितने दिन हो गए आपको? 7 महीना। तो 10 साल में आपको कुछ हुआ नहीं ऐसे अच्छे खासे हो अभी तक? ज़्यादा नहीं होते, एक दिन लेते थे। मतलब कभी सुबह या शाम या शाम को? कहाँ पे पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 5वीं तक पढ़ाई। तो 5वीं में आपको ये MD कहाँ से मिला? सहेली लोग। क्या करती है सहेली आपकी? MD की नशा लेते। लेकिन वो करते क्या है? मतलब स्कूल में? स्कूल छोड़ दिए। कहाँ पे? मालोनी में कहाँ पे मिलता है MD? 8 नंबर के पट्टे पे। कहाँ पे? पान पट्टी पे मिलता है, मेडिकल पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? झोपड़ पट्टी में। कौन लाता था ये सब? बहन लाते थे। तो उसके लिए पैसा वैसा लगता था? कितना पैसे का आता है MD? 500 रुपये। तो 500 रुपये कहाँ से आते थे आपके पास? अम्मी से। अम्मी क्या करती है आपकी? अब्बा काम पे जाते। 500 रुपये आप MD में उड़ाते थे। कितने लोग MD करते थे आपके घर में? मैं, दोनों बहने। मतलब तो कितने दिन का था ये 500 रुपये का जो MD आता था वो कितने दिन चलता था आपको? हाँ, एक ही टाइम। तो तीनों लोग एक ही 500 में वो करते थे नशा? तो 1500 रुपये आपका खर्चा होता था। तो मतलब रोज का, मतलब आप 10 साल से नशा कर रहे हो तो इतना पैसा आपको कोई किसी को ध्यान भी नहीं आया? कहाँ से आता देखना? क्या कितना कमाते हैं? क्या करते हैं? पेंटिंग। कितना कमा लेते हैं अब्बा? रोज का। तो एक दिन का आपका 1500 का खर्चा, मतलब साल का कितना हो गया? कुछ सोचा आपने कितना पैसा आपका बर्बाद हो गया 10 साल में? तो अभी यहाँ आने के बाद 7 महीने में आपका छूट गया ऐसा आपको लग रहा है। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप जैसे जो MD के पीछे भागने वाले बच्चे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप? जरा बोलो, सबको बोलो। तरही है जोया, वय वर्ष 22। आत्ताच मला वाटतं तुम्ही तिची चित्तथरारक कथा ऐकली असेल आणि तिच्या स्टोरीतले भयान सत्य तुमच्या समोर आलं असेल की हालाकीची परिस्थिती असताना झोपडपट्टीसारख्या एरियामध्ये राहूनसुद्धा या लोकांना MD नावाचं हे काय म्हणतात ते ड्रग ते मिळतं। आणि जेमतेम 4थी शिकलेली आहे तिला, म्हणजे 12 वर्षाची असताना तिने नशा चालू केली असं तिने सांगितलं। तर जस्ट विचार करा की 12 वर्षाच्या
सोळ्या वयापासून ती गेले 10 वर्ष ही नशा करत होती, तर अशा कितीतरी जोया समाजात असते ज्या अजून आपल्या समोर आलेल्या नाही आहेत. तर मला खरोखरच मराठा लाईफ फाउंडेशन जी आपली संस्था आहे जिने जे नशामुक्तीसाठी जे अभियान चालवलं आहे त्यांचं कौतुक करावं असं वाटतं की त्यांनी जोयाला इकडे 6 महिने ठेवून तिला नशामुक्त केलं आणि तीच जोया आता येणाऱ्या नशेशी आधीन गेलेल्या लोकांची सेवा करते आहे. खरोखरच तिचा हा उपक्रम वाखाणण्याजोगा आहे आणि मला असं वाटतं जर आपण एक जोया वाचवली अशा कितीतरी जोया जर आपण वाचवल्या तर मला वाटतं ह्याच्यापेक्षा चांगलं ते काहीच नसेल. आणि त्याच्यासाठी मी पुन्हा आपल्या संस्थेचे ओनर लोखंडे सरांना खूप खूप धन्यवाद देईन की ते हे उपक्रम राबवत आहेत. तेव्हा तुम्हालाही नम्र विनंती आहे की अशा कितीतरी जोया आपल्याला वाचवायच्या आहेत ज्या कुठेही दिसतील तुम्हाला. आपला उपक्रम हा नाही आहे की ती नशा कुठून येते, आपला उपक्रम हा आहे की ती नशा कोण का करत आहे आणि ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे. तर प्लीज कृपा करून या सगळ्या गोष्टी थांबवा. आता ही वेळ आली आहे की या सगळ्या गोष्टीपासून ह्या अशा कोवळ्या वयातील मुलांना वाचवायचं आहे आपल्याला. किशन लोखंडे को हर माह 1.5 लाख रुपए मिलते हैं जिसे वे वंचना नशा मुक्ति केंद्र के काम में खर्च करते हैं. इसके अलावा पुलिस सेवा में कार्यरत इनकी धर्म पत्नी हर माह अपने वेतन का 20,000 रुपए इस समाज सेवा केंद्र को खर्च के लिए देती हैं. मेरे सास ससुर की बहुत इच्छा थी कि आश्रम खोले और बुजुर्गों की सेवा करे. तो पति ने सोचा जो जो कमाई का पैसा आया अभी मिलिट्री का तो उसी जगह एक एकड़ जगह लेके उसमें खोल दी. आज इस अनाथ और नशा मुक्ति केंद्र के पास अनेक मकान हैं जिसमें 75 से अधिक असहाय और अनाथ वृद्ध महिला पुरुष और नशे के शिकार युवा इस प्रेम कुटीर में एक घर परिवार की तरह रहते हैं और आम इंसान की तरह अपना जीवन यापन करते हैं. हो गया अभी एक साथ आने का टाइम है. फिर वो कॉलिंग में होश में भी नहीं था. फिर अभी पूरा दारू छोड़ के अभी बरो कुछ प्रॉब्लम है. अभी मेरे को घर जाने को पसंद ही नहीं. इधर मजा आता अपना घर संभालने के पता है. एक साल से यहाँ पे पूरा आश्रम का केयर टेकर करते हैं. गेट से लेके आदमी को खाना खिलाना पिलाना सुलाना सब तो काका ही देखते हैं और उनके फैमिली आते हैं. बट वो घर नहीं जाना चाहते, वो सेवा में जुड़े हुए हैं. वो जिंदगी भर सेवा करके आश्रम में सुख संपन्न रहेंगे ऐसी उनकी तमन्ना है. और भगवान उनको लंबा आयु दे और सेवा करने का उनको इतना बड़ा अवसर मिला है. मेरे साथ में इतना भगवान जैसे खड़े हैं वो सब पूरा इधर का देखभाल. हमारा भगवान यही इस वात्सल्य और प्रेम मंदिर की देखरेख किशन लोखंडे की 102 वर्षीय माता बंचला लोखंडे करती हैं. आज इनकी देखरेख में यहाँ के सभी अनाथ और असहाय बच्चे वृद्ध और युवा बंचला माँ से अगाध प्यार पाते हैं. माता बंचला सबको एक माँ की तरह अपना प्यार सभी रहवासियों पर बरसाती हैं. इस सेवा केंद्र में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पालना कोई आसान काम नहीं था. आज के आर्थिक युग में हर कोई किसी न किसी तनाव से ग्रस्त हैं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशियां नहीं बांट पाते हैं. ऐसे में किशन लोखंडे जैसा वीर योद्धा और माता वंचला के साहस और धैर्य को शत शत सलाम किया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सेवा केंद्र में मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसे पागलों को रखा जाता है जिसके पागलपन की कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा. पुलिस की सहायता से इस केंद्र में ड्रग्स, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, अफीम, बटन आदि जैसे जानलेवा नशे के शिकार युवा लड़के लड़कियों और वरिष्ठ लोगों को लाकर ठीक किया गया है, जिसे सामान्य अवस्था में लाना नामुमकिन था. लेकिन इस प्रेम सदन में 24 घंटे नशे के शिकार रहने वाले ऐसे लोगों को सामान्य जिंदगी मिली है और वे स्वस्थ होकर अब दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांट रहे हैं. इन्हें यहाँ घर जैसा प्यार और सुविधाएं मिलती हैं. आज इन्हें जो असीम प्यार मिलता है उसे देखकर अपने घर की याद नहीं आती और वे अब यही रहना पसंद करते हैं. मेरा नाम रुकेश कामत है. मैं पहले दोस्तों लोगों के साथ बहुत शराब पीता था, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को आश्रम में जमा कर दिया कि मुझे नशा छुटाने के लिए. तो लोखंडे साहब ने मुझे यहाँ पे नशा मुक्ति करके मेरे को
जप दिए, मुझे 14,000 का जप लगाए। मैं अभी उसमें बहुत खुश हूँ और मेरी नशा 4 महीने के अंदर छूट गई। नमस्कार, मैं हूँ परेरा। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ लेकिन मेरा गांव गोवा है। मैं यहाँ पे आया था, एक पेशेंट बन के आया था और मुझे शराब पीने की आदत थी। तो मेरे को मेरे भाई ने बोला एक लोकटे साहब के एक जगह है यहाँ पे वसे में, तो क्यों नहीं जाके वो आश्रम को देखे। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं आ गए हैं आश्रम में देखे। मैं यहाँ पे 6 महीना हो गया मेरे को, अभी 7वां महीना चल रहा है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने। मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे नशे की याद भी नहीं आती है, कुछ नहीं आते है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ लोकड़े साहब के ये आश्रम में अलग अलग किस्म के आदमी लोग आते हैं और अलग किस्म के सब जन नशा वाले आते हैं, कोई ड्रग्स एडिक्ट आते हैं, कोई दूसरा नशे वाले आते हैं। और मैंने ये देखा, जैसे मेरी ज़िंदगी पहले ख़राब हो गई थी दारू पीने से, मैं कोई दूसरा नशा नहीं करता, खाली दारू पीते थे हम, कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सुधारपन हो गए, अलग अलग लोगों से मेरे को मुलाकात होने लगे, अलग अलग सब मिलने आए मेरे को। तो मेरे को पूछने लगे क्या तुम्हारे बैकग्राउंड क्या था। मैंने बोला मेरे बैकग्राउंड ऐसे ऐसे थे, मैं बहुत नशा पीते करते थे, मैं दारू बहुत पीते था, अभी मैं नशे से मुक्त हो गया। अभी मेरे को लोगों ने सामने मौका दिया, मुझे काम भी दिलवाया यहाँ पे, बोले तुम यहाँ पे रहो, कुछ सेवक हो, सेवा करते रहो, हम तुमको पैसे भी देंगे और आपको काम भी देंगे, आपका काम भी अच्छा चलेगा, हम आपसे भाई का भी बात करेंगे और घर वाले मम्मी बीबी के साथ बात करेंगे, और तुमको यहाँ पे भी आराम पे पगार पे रखा है और पगार भी दे रहे हैं हमको। उनके बहुत मेहरबानी हो गए, हम नशे से मुक्त हो गए, क्योंकि हम गार भी रहते थे, हम पढ़े में रहते थे, तो हमको दोस्त लोगों के साथ वापस बिगड़ जाते थे। तो लोगों ने सब बोले मेरे भाई को बहुत थोड़े दिन रहने दो, हम कभी भी हमको उनको बेच देंगे, अभी तो फिट हो। इस केंद्र में नशे के शिकार ऐसे मनोरोगियों को लाकर ठीक किया गया है जिन्होंने जीवन में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया है, और अब वे इसी आश्रम में रहकर नशे के शिकार लड़के लड़कियों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाई है। आज ऐसे लोग यहां पर काउंसलर हैं जिन्हें आश्रम की तरफ से रहने खाने की मुफ्त सुविधा दिए जाने के साथ रोजगार देकर ये सिखाया गया है कि असली जीना किसे कहते हैं। ऐसे मनोरोगी बचपन से ही गलत संगति में आकर नशे के आदि हो गए और इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, और ऐसे में ये अनाथ बनकर फुटपाथ पर जीवन गुजारने लगे थे। यहाँ पर कई ऐसे भी शराबी हैं जो सुखी संपन्न परिवार के हैं और आज वे आश्रम में पूरी तरह से ठीक होकर एक नई जिंदगी जी रहे हैं। अब वे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मी प्रिंसिपल आर एल तांबे सुरावकर। आज या ठिकाणी मी मराठा लाइफ फाउंडेशनच्या आश्रमाला भेट देण्यासाठी आलो। माझी कारकिर्द संपूर्ण एज्युकेशनमध्ये, गेली 40 वर्ष मी काम करतो, गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण देण्याचं काम मी केलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 12 शाळा गोरगरिबांसाठी काढल्या आणि त्याचबरोबर वसतिगृह आणि त्याचप्रमाणे मतिमंद मुलांची शाळा, वृद्ध आश्रम अशा अनेक कामं करत आलो। आणि जेव्हा मला कळलं की मराठा लाईफ फाउंडेशन आमचे मित्र लोखंडे साहेब हे कारगिलच्या युद्धामध्ये काम केलेले आहे आणि त्याने या संपूर्ण कामाचा हातभार त्यांना लागावा असं जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी या ठिकाणी आलो। मी इथलं वातावरण बघून मी अतिशय आनंदित झालो, खुश झालो। परंतु इथल्या लोकांची जी परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती एवढी गंभीर असते असं मला तर पहिल्यापासून अभ्यास केलेला आहे, मला माहीत आहे। महाराष्ट्रातल्या सर्व विभागामध्ये सर्व गाव खेडेगावी मी फिरून मतिमंद मुलं, वृद्ध लोक, वृद्ध आश्रमाची गरज काय आहे आणि गोरगरिबांच्या या अनाथ लोकांची काय त्यांना काय गरज आहे याचा फार मोठा अभ्यास केला आणि मी या समाजसेवी क्षेत्रामध्ये उतरलेलो आहे। आणि त्याचबरोबर लोखंडे सरांनी एवढं केलं हे पाहून मला तर अतिशय फारच आनंद झाला की अशा प्रकारच्या लोकांना आपण थोडी मदत केली पाहिजे। आणि महाराष्ट्रातल्या या अशा वृद्ध आणि मतिमंद
त्याशिवाय मुके भैरे त्याशिवाय दारूड म्हणजे वेशणी लोक या लोकांचा पण उद्धार झाला पाहिजे. त्यांना माणुसकी मिळाली पाहिजे. माणसाचं जीवन जगता यायला पाहिजे त्यासाठी आपण प्रयत्न करतो आहोत. लोकंडे सर पहिल्यापासूनच करतायत आणि या ठिकाणी या जंगलामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारची जागा घेऊन त्यांची सगळी व्यवस्था केलेली आहे. या ठिकाणी गाईचा गोठा आहे. या ठिकाणी मेंढ्या पाळलेल्या आहेत. त्याचबरोबर कबुतरे आहेत. या ठिकाणी पक्षी पशुपक्षीसुद्धा या ठिकाणी त्यांनी पाळलेले आहेत. ह्याला थोडासा हातभार लागावा किंवा समाज कल्याणकडून मी महाराष्ट्राचा सेक्रेटरी असल्यामुळे RPIचा तर त्यामुळे मला असं वाटलं की ह्या आश्रमाला भेट देऊन त्यांना समाज कल्याणच्या समोर हे संपूर्ण व्यवस्था ठेवून त्यांच्याकडून काय मदत मिळते की नाही ते मी पाहीन आणि या संस्थेला या लोखंडे सरांना मी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जोपर्यंत माझा श्वास आहे तोपर्यंत मी सहकार्य करीन अशा प्रकारची माझी भावना या ठिकाणी आल्यानंतर झालेली आहे. आणि हा वातावरण बघून आणि हा परिसर बघून मी अत्यंत आनंदित झालो खुश झालो. या ठिकाणी माझ्याकडून सुद्धा फुलना फुलाची पाकळी काहीतरी या आश्रमाला मिळायला पाहिजे त्याची व्यवस्था मी करीन असं मी लोखंडे सरांना आश्वासन देतो. आणि हे जे लोक आहेत या ठिकाणी ज्या ज्या अपंग लोक आहेत वृद्ध लोक आहेत त्या लोकांना शुभेच्छा देतो. त्यांचं लाईफ माणुसकीचं लाईफ माणसाचं लाईफ माणसासारखं जगलं पाहिजे अशा प्रकारची व्यवस्था होण्यासाठी माझ्याने लागेल तो प्रयत्न मी लोखंडे सरांच्या बरोबर राहून करीन. माझ्याबरोबर शीतल निकमसुद्धा माझ्याबरोबर आहे या ठिकाणी. त्यासुद्धा या संस्थेमध्ये सामील होतील आमच्याबरोबर सहकार्य करतील आणि अशा करून आपण माणसाला माणुसकी देण्याचं काम सर्वांनी मिळून करूया. एवढंच मी आजच्या प्रसंगी बोलून धन्यवाद देतो. ड्रग्स और चरस जैसे जानलेवा नशे के शिकार कई नशाखोरों ने तो जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की है लेकिन इन्हें आश्रम के लोगों ने बचा लिया. आज ऐसे लोग स्वस्थ होकर और नशा मुक्त होकर बड़ी कंपनियों में काम कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं. कई लड़कियां प्यार में किसी को दिल देकर घर से भाग गईं और माता पिता के विरोध करने पर आत्महत्या करने की कोशिश की. अंत में इन्हें जब वंचला नशा मुक्ति केंद्र लाया गया तो वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने माता पिता के पास चली गईं. आज इनमें से एक लड़की BA कर रही हैं. नशे में हाथों को ब्लेड से चीर कर आत्महत्या करने की घटना यहाँ आम बात है लेकिन ऐसे मनोरोगियों को यहाँ कमरे के अंदर बंद कर रखा जाता है और तब तक इनका मानसिक इलाज किया जाता है जब तक वे ठीक नहीं हो जाते हैं. इस वंचला आश्रम में रहने वाले 75 से अधिक अनाथ और असहाय लोगों की जिंदगी को हमेशा एक घर परिवार का माहौल दिया जाता है. इसी को ध्यान में रखकर आश्रम के सारे अनाथों और असहायों को हर तरह का मनोरंजन प्रदान किया जाता है ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां लाई जा सके. इसके लिए सभी असहाय युवा से लेकर वरिष्ठ महिला पुरुष एक साथ मिलकर किसी के जन्मदिन पर मिलकर नाचते गाते हैं और जिंदगी के हर एक पल का आनंद उठाते हैं. इन्हें कभी ये लगा नहीं कि वे असहाय हैं क्योंकि ये एक आम इंसान की तरह रहते हैं और उनकी तरह अपना हर काम भी आसानी से करते हैं. इन मानसिक और शारीरिक रोगियों को तन मन से शांत और स्वस्थ रखने के लिए आश्रम में हर सप्ताह ध्यान और योगा का शिविर लगाया जाता है जिसमें सभी अनाथ महिला और पुरुष बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपने को तरोताजा महसूस करते हैं. आश्रम के अनपढ़ पुरुषों महिलाओं और बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए रोज स्कूल चलाया जाता है. इनमें अनपढ़ वृद्ध महिलाओं को नाम लिखना और 1 से 10 की गिनती सिखाई जाती है. इस दौरान प्रार्थना करना भी सिखाया जाता है जहाँ सभी लोग ध्यान से प्रार्थना करते हैं. अपने आप को आश्रम के कामकाज में समर्पित कर चुकी महिला शिक्षिका यहाँ के लोगों को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं, उन्हें समाज की सभ्यता और संस्कार का ज्ञान दे रही हैं। इस प्रेम कुटीर के सभी महिला पुरुषों को वो सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जो सुखी संपन्न आम इंसान को मिलती है. आश्रम में हजारों लीटर पानी की टंकी लगाई गई है जिससे इन्हें 24 घंटे पानी मिलता रहे. इन्हें 24 घंटे बिजली मिलती रहे इसके लिए सोलर लाइट है. इसके अलावा जनरेटर की व्यवस्था है जिससे हमेशा आश्रम को बिजली पहुंचाई जा सके.
यही नहीं, यहाँ पर गोबर गैस का प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट से जो गैस बनता है उससे खाना बनाया जाता है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इससे आश्रम की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। आश्रम में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है जहाँ पर तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बीचों बीच एक स्विमिंग पूल है जो आश्रम की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। इसी को ध्यान में रखकर आश्रम के अनाथों और असहायों को एक सामान्य नागरिक बनाकर उन्हें शिक्षा के साथ रोजगार और उन्हें रहने का घर दिया जाता है। कई असहाय नागरिकों की जिंदगी में खुशहाली लाकर इन्हें बाहर भी रोजगार दिया गया है। कई लोग तो खुशी खुशी यहाँ से स्वस्थ होकर अपने माता पिता के घर चले गए। आज इनमें से कई लड़के लड़कियाँ नशा मुक्त होकर नौकरी कर रहे हैं और अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। किशन लोखंडे और इनकी माता वंचला का दिल सचमुच प्रेम का सागर है। तभी तो यहाँ इंसान ही नहीं, आश्रम में जानवरों और पक्षियों को भी असीम प्यार लुटाया जाता है। आश्रम में कई तरह की 100 मुर्गियाँ, खरगोश, 22 बकरियाँ, भेड़ और 5 कछुए हैं। यही नहीं, आश्रम में 3 भैंसे और 7 गायें हैं। इनमें से जो दूध मिलता है उसे आश्रम के 80 रहवासियों को पीने के लिए दिया जाता है। खास तौर पर कमजोर रोगियों को विशेष तौर पर दूध प्रदान किया जाता है। आश्रम में बड़े तौर पर सब्जी की खेती भी की जाती है जिसमें हर तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। आश्रम के रहवासी सब्जियों को उगाते हैं। यहाँ केले की भी खेती की जाती है। इससे आश्रम के लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों को ताजी सब्जियां और फल खाने के लिए मिलते हैं। आश्रम के कामकाज में किशन लोखंडे को आशीष शुक्ला, राजन मिश्र, प्रियंका का साथ मिला है जिन्होंने आश्रम को एक परिवार की तरह पाला पोसा है। आज किशन लोखंडे के परिवार ने जिस विशाल प्रेम सदन को सवार कर एक आश्रम का रूप दिया है उसमें कोई भी अपना तन मन से सहयोग दे सकता है। अन्नदान, कपड़ा दान के अलावा किसी भी तरह की सहायता कर अनाथों की जिंदगी में आप उजाला ला सकते हैं। आपका थोड़ा सहयोग लोगों की जिंदगी में खुशियां और मुस्कुराहट ला सकता है। आज अनेक लोग किशन लोखंडे के इस महान कार्य को देखते हुए तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। एक पत्रे यानी कि शेर से शुरू हुआ ये प्रेम कुटीर आज एक विशाल रूप ले चुका है। अब इस केंद्र को आधुनिक रूप दिया जा रहा है और इसमें 13 आधुनिक कमरे बनाए जा रहे हैं जिनमें 10 कमरे तैयार हो चुके हैं और 3 कमरे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विशाल हृदय और उदार व्यक्तित्व के किशन लोखंडे का सपना इनके मन मंदिर से उतरकर जमीन पर आकर खिलने तो लगा है, लेकिन अभी इन्हें अनंत आकाश की तरह आगे बढ़ते जाना है। ये कहते हैं कि इस आश्रम में आने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग सैकड़ों रोगियों को स्वस्थ कर रोजगार के साथ साथ उनकी शादी कराकर उनका घर बसाना चाहते हैं। सचमुच इस धरती पर ऐसे विशाल हृदय के सपूत विरले ही पैदा होते हैं जो दूसरों को खुशियां बांटकर अपनी खुशी देखते हैं। किशन लोखंडे के इस नेक कार्य में जो भी व्यक्ति अपनी आर्थिक सहायता देना चाहते हो वे इस अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। मराठा लाइफ फाउंडेशन, यस बैंक, अकाउंट नंबर 0068887000052, IFC कोड YESB 0000068, वसई ब्रांच। जो व्यक्ति इस आश्रम में अन्नदान या वस्त्रदान करना चाहते हो वे इस मोबाइल नंबर 9049330100 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका थोड़ा सहयोग किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकता है।